हेलो स्टूडेंट, देखो चैप्टर 3 फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। पूरा चैप्टर रीड कर लिए थे। फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स मतलब हमारे बॉडी पार्ट्स के क्या क्या काम है उसका मैं बता रही हूँ आज मीनिंग, ठीक है? तो उसको आपको कॉपी में लिखना है। तो सबसे पहले देखो FUNCTION S फंक्शंस। फंक्शंस यहाँ पे दिया है ना, तो फंक्शंस मीन्स क्या होता है? कार्य या काम, हमारे बॉडी पार्ट्स का काम। फंक्शंस मीन्स काम, ठीक है। सेकेंड देखो TALK टॉक। टॉक मीन्स होता है बात करना, जिसको हम एक दूसरे से बात करते हैं उसको बोलते हैं टॉक। थ्री नंबर HOLD होल्ड। होल्ड मीन्स पकड़ना, किसी भी चीज़ को पकड़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल्ड। फोर नंबर BATH बाथ। बाथ मीन्स क्या होता है? नहाना। नहाना को बोलते हैं बाथ। फिर देखो PUSH पुश। पुश मीन्स क्या होता है? धकेलना, किसी भी चीज़ को धकेलना को बोलते हैं पुश। सिक्स नंबर SENSE सेंस। ORGAN ऑर्गन। सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन मतलब होता है अनुभव करने वाले अंग, ऐसे अंग जो अनुभव कर सकते हैं। जैसे सेंस ऑर्गन कितने हैं? 5। नोज, आईज, ईयर, स्किन, टंग, तो ये सब क्या हुए? सेंस ऑर्गन हुए। उसके बाद देखो 7 SEE। सी मीन्स क्या होता है? देखना। उसके बाद 8 HEAR हीयर। हीयर मीन्स सुनना, सुनना को बोलते हैं हीयर। 9 नंबर SMELL स्मेल। स्मेल मीन्स होता है सूंघना। 10 TASTE टेस्ट। टेस्ट टंग से क्या करते हैं? टेस्ट। टेस्ट मतलब स्वाद। और लास्ट 11 देखो FEEL फील। फील मीन्स होता है महसूस करना, किसी भी चीज़ को जब हम महसूस करते हैं उसको बोलते हैं फील। तो फिर से एक बार देखोगे, फील मतलब महसूस करना, टेस्ट मतलब स्वाद, स्मेल मतलब सूंघना, हीयर मतलब सुनना, सी मतलब देखना, सेंस ऑर्गन अनुभव करने वाले अंग, पुश मतलब धकेलना, बात मीन्स नहाना, होल्ड मीन्स पकड़ना, टॉक मीन्स बात करना, और फंक्शन मीन्स काम। तो ये जो है चैप्टर 3 फंक्शन ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स का वर्ड मीनिंग है, ठीक है? तो ये दोनों को आप अपने कॉपी में ऐसे हेडिंग डाल के क्या कर लोगे? लिख लोगे।